हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी फिट फाइन एंड हेल्दी होंगे, अच्छे होंगे। तो देखिए, आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है शाम से। तो गाइज, अब बज रहे हैं शाम के 4 और बस पूरा काम वाम आज सुबह से लगी पड़ी हूँ मैं। देखिए, दिवाली पे ना 3-4 दिन हो गए हैं, बहुत 3 बजे तक लगती हूँ कम से कम का मेहनत करने से। लेकिन ये है कि हाँ, आज फाइनली पूरा काम निपट गया है, पूरी साफ़ सफाई हो चुकी है घर की, पूरा काम निपट गया है। बस अब डेकोरेशन करना बाकी रह रहा है, तो डेकोरेशन करेंगे अभी। और अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि आज धनतेरस है तो कुछ खरीद के लेकर आते हैं, कुछ बर्तन लेकर आते हैं, कुछ देखते हैं। वैसे तो मैंने सोचा है कि मैं कढ़ाई लेकर आऊँ आज रेसिपी वीडियोस के लिए तो मुझे कढ़ाई लेनी है स्टील की, तो देखते हैं अच्छी कढ़ाई होगी मार्केट में, मिल जाएगी तो लेकर आते हैं। और बस आज के दिन धनतेरस के दिन पूजा पाठ करती हूँ, धन्वंतरी देवता की पूजा करूँगी शाम को, और बस भोग वगैरह लगाएंगे, पूजा पाठ करेंगे। तो धनतेरस का ब्लॉग आप लोग इन्जॉय करिए मेरा, और किस तरीके से मैं पूजा पाठ करती हूँ, डेकोरेशन वगैरह सब कुछ एंजॉय करिए। तो चलिए, बने रहिए एंड तक व्लॉग में। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो। तो चलिए, फाइनली अब चलते हैं मार्केट। तो गाइस, वैसे तो मेरा शाम का रहता है, शाम को लाती हूँ, बट ना शाम को हो जाती है देर पूजा पाठ के लिए, बस अभी मैं निकल रही हूँ। पूजा पाठ कर लेंगे टाइम से, 5:30 बजे का मुहूर्त है, 5:30 से। मिलते हैं अब मार्केट में और दिखाते हैं आपको बर्तन के किस टाइप के बर्तन आए हुए हैं धनतेरस के दिन। तो चलिए मार्केट चलते हैं अब, देखिए, और फिर करेंगे पूजा पाठ और गाड़ी चलाते में, ड्राइविंग करते में नो वीडियोस। फाइनली मैं पहुंच गई हूं मार्केट। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि किस तरह के बर्तन वगैरह आए हुए हैं मार्केट में, चलिए दिखाते। तो देखिए, काफ़ी वैरायटी आई हुई है मार्केट में, कांच के बर्तन हैं। बट देखिए, मैं तो सजेस्ट करूंगी आज के दिन ना, धनतेरस के दिन कांच के बर्तन बिल्कुल भी ना खरीदें, कांच तो घर में लेकर जाए ही ना, बिल्कुल भी ना लें। तो देखिए, वैसे तो कोशिश करनी चाहिए सोना चांदी खरीदने की, बट जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो स्टील खरीद सकते हैं, पीतल खरीद सकते हैं, या फिर कोई भी धातु के बर्तन आप खरीद सकते हैं। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे, मैं तो सोच कर ही आई हूँ कि मुझे कढ़ाई लेनी है। ये पास ही जहाँ से हम अक्सर सारी चीज़ें खरीदते हैं, छोटी मोटी चीज़ें, राशन पानी वगैरह सारी चीज़ें, तो लोकल मार्केट है पास की। तो ढक्कन तो 900 में होगा ना, साथ में 170 का ढक्कन अलग से है। 170, अच्छा अच्छा सबसे बिग साइज है ये, बड़ा साइज है। तो गाइस, 2 कढ़ाई ली है फाइनली, पिछली बार मैं लौट गई थी, बट इस बार देखती हूँ 1 के बदले 2 ले रही हूँ, बट देखते हैं रेट कितना कम करते हैं। बाकी हमारी पुरानी है, मैं तो काफ़ी टाइम से यहाँ से लेती रही हूँ चीज़ें, बहुत टाइम से मैं बर्तन ले रही हूँ यहाँ पे। नहीं, रेट नहीं बोला मैंने, रेट नहीं बताया मैंने, रेट वेट तो नहीं बताया, ब्लॉगिंग चैनल है मेरा, सब्सक्राइब कर लीजिए अभी अभी। यहाँ यूट्यूब पे निकाली है मनोरमा सौरव ब्लॉग, MS ब्लॉग्स के नाम से है मेरा चैनल। तो देखिए, धनतेरस वाले दिन ना अच्छे अच्छे इतने सुंदर सुंदर बर्तन दिखाई देते हैं, तो घर में चीज़ें होते हुए भी लगता है कि ये भी ले लें वो भी ले लें, बट मैं लेने आई हूँ कढ़ाई। तो मैं तो ये चीज़ पहले से ही सोच कर आई हूँ कढ़ाई। तो देखिए, यहाँ पे पीतल के भगोने हैं ये, तो इनको देख के ना ऐसा लगता है कि पुराना टाइम वापस आ रहा है। कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई स्टील वाली कढ़ाई ले ली है 2, एक छोटे साइज़ के लिए और एक बड़े साइज़ के लिए, गाड़ी में रख दिए। रीज़नेबल प्राइस में मिल गई, काफ़ी ठीक मिल गई हैं, और बस ले ली हैं। तो चलिए, अब आगे की जो रेसिपी आप लोग देखेंगे होइनी वाली कढ़ाइयों में देखेंगे। बस चलिए, आप ले लेते हैं, और सामान थोड़ा बहुत लेना है, दिए वगैरह
तो बस अब मैं बोलूँ। 10 के 12 हैं तो गाइस दिए ले रही हूँ। देखिए दिए जलाएंगे। मैं ना हर बार दिए जलाती हूँ दीपावली पे। मोमबत्ती भी जलाते हैं बट कम जलाते हैं, तो बस दिए ले रही हूँ। और दिए मिल रहे हैं 10 रुपये के 12। और बाकी चीज़ें ले गई थी मैं कल, और बस अब लूँगी झाड़ू। झाड़ू मेन होती है देखिए, तो धनतेरस पे मैं हर बार फूल झाड़ू और सीख वाली झाड़ू दोनों ख़रीदती हूँ। तो बस अब झाड़ू लेंगे, बस मेन मेन जो काम है वो हो गया। एक फूल निकाल दो भैया अच्छी से। अलग चीज़ है, एक फूल वाली निकाल दो, एक ये निकाल दो। तो गए झाड़ू भी ले लिए, देखिए तो गए जरूरी सामान ले लिया है। तो देखिए कढ़ाई ले ली है, झाड़ू ले लिए हैं, दिए ले लिए हैं, बस इन्हीं चीजों की जरूरत है। तो चलिए अब होगा थोड़ी देर में पूजा का टाइम, क्योंकि बच चुके हैं 5 और अब करेंगे पूजा चल के। तो चलिए, और अगर टाइम मिलता है तो थोड़ी बहुत करेंगे डेकोरेशन। सो गाइस अभी भरी हुई मार्केट में से मैं गाड़ी लेकर आई हूँ, तो कितना बड़ा टास्क है, बहुत ही बड़ा है देखिए। और इतनी पूरी फुल मार्केट थी अभी, और चारों तरफ गाड़ियाँ खचाखच भरी हुई हैं। और बाकी ये है कि देखिए, अगर वैसे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है, काफ़ी टाइम से मैं गाड़ी चला रही हूँ, ड्राइव कर रही हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि देखिए हाईवे पे या रोड पे चलाने में मेरे को तब भी थोड़ा सा डर लगता है, बट भरी हुई मार्केट में चलाने में ना इतना नहीं लगता मेरे को, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ में चला। बाकी ये है कि देखिए लेडीज़ अगर गाड़ियाँ चला रही हैं तो मैं यही कहूँगी कि देखिए भरी हुई मार्केट में ना अवॉइड करिए और गाड़ी बाहर ही खड़ी कर दीजिए। बाकी ये है कि देखिए मैं करती तो हूँ बाहर खड़ी, बट ये है ना कि अब त्यौहार का टाइम है, कहीं जगह ही नहीं मिल रही, तो चलते 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 फिर फाइनली अंदर ही आ गई। तो मैंने सोचा कि चलिए आपको बताते हैं, और अब मेरा टास्क कंप्लीट हो गया, फाइनली बाहर आ गई हूँ। क्योंकि पूरी मार्केट फुल थी और बहुत ही बड़ी जंग लड़ने के बराबर सही है गाड़ी को सेफ्टी के साथ लेकर आना। चलिए अब चलते हैं घर पे। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच गई हूँ घर पे, और देखिए मैं ना फ्रूट लाना भूल गई हूँ। और देखिए धनतेरस के दिन ना कोई भी बर्तन लाते हैं तो खाली नहीं ले जाते, और मैं भूल गई हूँ कुछ भी फल फ्रूट या कुछ भी लाना, क्योंकि पूजा का टाइम हो रहा था। तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी चलते हैं फटाफट से, क्योंकि पूजा पाठ का टाइम भी निकल जाए तो वो भी अच्छी बात नहीं है। तो बस वंशी से मंगवा रही हूँ मैं ऊपर से कि बेटा कुछ लिया फ्रूट, तो बस मैं भर के ले जाऊँगी। तो देखिए खाली बर्तन मत ले जाइए अगर आप लोग लेकर आए हैं, तो त्यौहार पर कभी भी ना घर के अंदर खाली बर्तन नहीं ले जाने चाहिए, भर के ले जाने चाहिए हमेशा, तो ना बरकत बनी रहती है घर में, ये माना जाता है कि बरकत रहती है। कितने किलो लाई है? 4 लाई हूँ। अब रेसिपी वीडियो अच्छी बना करेंगे, बहुत अच्छा बन। क्या करूँगी लैपटॉप पे लगने के अलावा, आपके हिसाब से? तो मम्मी इनकी लाइट तो डिम हो गई, पूजा का टाइम हो गया, इनकी लाइट डिम हो गई। जिनकी कैसे? बारिश की वजह से हो गई होंगी ना, बारिश का तो मौसम ही नहीं है, पता नहीं क्यों से होगी बारिश। गाइस तो मैं आ गई हूँ मार्केट से। तो चलिए कढ़ाई ले ली है मैंने मार्केट से, झाड़ू ली है, कढ़ाई ली है और दिए लिए है, सिर्फ इतना ही सामान मैं लेकर आई हूँ अभी, क्योंकि हो गया था पूजा का टाइम। और अब करेंगे पूजा और करेंगे थोड़ी सी डेकोरेशन, माता रानी के चरण वगैरह लगाएंगे और कुछ रंगोली लगाएंगे। तो धनतेरस के दिन देखिए ये वाली डेकोरेशन जरूर कर लेनी चाहिए, रंगोली लगानी चाहिए,
माता रानी का जो है, देखिए वैसे तो लक्ष्मी मैया भगवान हमेशा ही रहते हैं, हमारे दिलों में विराजमान रहते हैं, हमारे अंदर विराजमान है, लेकिन क्या है ना कि ये कुछ नियम है हमारे जो बहुत पुराने टाइम से चलते हुए आ रहे हैं कि दीपावली पे ये सब होता है, भगवान आए थे धरती पे तो उनके स्वागत के लिए हमें ये सारी तैयारियाँ करनी होती हैं। तो बस ये वाली तैयारियाँ आज के दिन से, धनतेरस के दिन से ही शुरू हो जाती हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे रंगोली है, रंगोली बना लेनी चाहिए आज के दिन। माता रानी के चरण है वो अंदर की साइड आए बाहर से, जैसे कि माता रानी आएंगी तो ये हमारा खुद का इतना भाव होता है कि मैया आएंगी, सीता मैया आएंगी और भगवान रामचंद्र जी आएंगे, तो बस ये चीज़ भाव ही है, बस और कुछ नहीं है। देखिए भाव है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। मानो तो गंगा मैया है ना तो बहता पानी है। लोग बहता पानी, बहुत से लोग उसको बहता पानी मानते हैं, लेकिन हम जैसे लोग, वो हमारे लिए गंगा मैया है और हमारे लिए माता रानी है, तो हम मानते हैं। तो बस यही भाव होता है इंसान का, और कुछ नहीं है। देखिए तो बस यही है। तो अभी मैं रंगोली लेकर आई हूँ कुछ चीज़ें, तो वो सब लगाएंगे माता रानी के स्वागत के लिए और चरण लगाएंगे। तो चलिए फाइनली करते हैं पूजा पाठ की तैयारी, कन्हैया की पूजा करते हैं और धन्वंतरी देवता की पूजा करते हैं, लक्ष्मी मैया की, और यम का दिया जो है वो आज से स्टार्ट हो जाएगा, सरसों के तेल का, सरसों के तेल का दिया आज से शुरू हो जाएगा, 3 दिन तक लगेगा। तो चलिए कर लेते हैं फाइनली। तो चलिए आप कर लेते हैं पूजा की तैयारी और मैं कर रही हूँ मंदिर को सेट। तो गाइस आजकल वंशी ने रामायण पढ़ना शुरू कर दिया है, तो वंशी रामायण पढ़ती है मेरी संस्कारी बेटी। और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, इसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनी समूजम जन मुदित मन मजहि अति अनुराग, ले लहिम चारी फल अछत तनु साधु समाज प्रभाव। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझ। तो देखिए हमारी पूजा की तैयारी हो गई है, धन्वंतरी देवता की फूल ले लिया है, यहाँ पे अखंड जोत जल गई है, तस्वीर रख ली है फोटो, और यहाँ पे कुछ सामान रख लिया है, और इसमें टीका है, मिश्री है, पानी रख लिया है। तो ये टीका है दोनों तरीके का, इसमें गणेश भगवान के लिए और माता रानी के लिए, और मूली, और यहाँ पे रख लिए ये जो बर्तन लाते हैं, देखिए धनतेरस पे जो भी बर्तन लेकर आए ना उनको भी पूजा में रखिए, और इसको खाली नहीं रखते, कुछ ना कुछ इसको भर के रखते हैं अंदर, कोई भी बर्तन लेके आए तो भर के रखें। और यहाँ पे रख लिए हैं दोनों झाड़ू, तो इन झाड़ुओं की भी पूजा होती है धनतेरस वाले दिन। तो चलिए पूजा की मेरी हो गई है पूरी तैयारी, अब कर लेते हैं पूजा। तो गाइस बस हो गई है पूरी तैयारी, तो चलिए अब कर लेते हैं पूजा पाठ, और टाइम निकल जाएगा, मुहूर्त निकल जाएगा, इसीलिए हस्बैंड नहीं आ पाए अभी, और मालवी वंश है नहीं, वो गए अपने गांव। तो बस अभी मैं करूँगी, सिर्फ मैं और वंशी पूजा करेंगे केवल। तो गाइस ये देखिए, ये बहुत ही प्यारे सुंदर से ये लेकर आई थी मैं दिया, तो ये वाला जो खम्मा है ना हमारा मंदिर के पास वाइट कलर का, इस पर बहुत प्यारे लगेंगे, तो यहीं पर लगाएंगे। मम्मी कैसे लगेंगे देखना, चिपक जाएंगे डबल साइडेड टेप से। हाँ तो उसके डबल साइड टेप, डबल साइडेड टेप पापा के उसमें है, है? लेकर आ जाओ उसमें। कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा सा, और सबसे ज्यादा ना ये ग्रीन का लुक आ रहा है इसमें ना, ऑल क्रेडिट सबसे बेस्ट लग रहा है। तो चलिए अब कर लेते हैं पूजा, और देखिए पूजा की जो चुन्नियां है मेरी यहीं आसपास ही रखी रहती है, तो 2-3 मैंने बना के रखी हैं चुन्नी, जिन्हें मैं पूजा में यूज करती हूँ, आप लोगों ने देखे होंगे नवरात्रि में। तो देखिए ये लाल कलर की, पीले कलर की चुन्नियां ही यूज़ करनी चाहिए पूजा पाठ करते टाइम। तो बस मेरी पूजा शुरू हो गई है यहाँ पे धन्वंतरी देवता की, पहले गणेश भगवान का पूजन करेंगे। गणेश भगवान, लक्ष्मी मैया, धन्वंतरी देवता सभी इसी फोटो में मौजूद हैं, तो सबकी मैं करूँगी पूजा। तो माला चढ़ा दी, अखंड जोत जला दी है,
और देखिए पानी ले लिया, टीके लगा दिए हैं सबके। तो यहाँ पर हम दोनों माँ बेटी मिलके कर रहे हैं पूजा, और साथ में बैठ गया है हमारे माइलो आके। तो देखिए माइलो तो हमें ना बिल्कुल भी छोड़ता नहीं है, और बस हमारे आसपास ही रहता है। तो बस आरती कर लेंगे। आरती में देखिए गणेश भगवान की आरती की है, लक्ष्मी मैया की आरती होती नहीं है। ओम जय जगदीश गा सकते हैं। लक्ष्मी मैया देखिए आरती करते टाइम ये है कि अगर लक्ष्मी मैया की आरती हो जाती है तो आरती के बाद उठ जाते हैं और आरती लेते हैं, तो इसीलिए लक्ष्मी मैया की आरती नहीं की जाती है हमारे यहाँ हिंदू धर्म में, कि लक्ष्मी मैया कहीं हमारे घर से चली ना जाएं आरती के बाद। तो अक्सर आपने देखा होगा कि ओम जय जगदीश वाली जो आरती है वही गाई जाती है। तो बस हमारा पूजन हो गया है, और यहाँ पे मैं कढ़ाई लेकर आई हूँ दोनों, तो बस कलावा बांधूंगी और इन पे स्वास्तिक कार दूंगी। तो देखिए इसमें खाना बनता है पूरे परिवार का, और प्लस सबसे बड़ी चीज़ कि मैं इसमें रेसिपी वीडियोस बनाया करूँगी अब। तो मेरी प्रार्थना है लक्ष्मी मैया से कि मेरी रेसिपी वीडियोस और चैनल थोड़ा सा ग्रो हो। तो बस पूजा पाठ हो गया है कम्प्लीट, और यहाँ पे हो रही है हमारी तैयारी। तो ये 15 दिए रखे हैं मैंने धनतेरस के दिन, और इनको जलाएंगे सभी जगह जहाँ भी अंधेरा होता है। तो देखिए एक ये बड़ा दिया है और बाकी सब छोटे दिए हैं, और ये दिए रखे जाएंगे पूरे घर में जहाँ भी थोड़ा बहुत लगता है कि अंधेरा है, तो वहाँ 2 दिए रखे जाते हैं मेन डोर पे। तो देखिए अगर आपके 2 मेन डोर हैं तो वहाँ पे रखिए आप ज़रूर, स्टार्टिंग जहाँ से एंट्रेंस होता है वहाँ पे रखिए सबसे पहले 2 दिए। तो गाइस आज के दिन से स्टार्ट हो गए हैं दिए, और देखिए कितने प्यारे लगते हैं, कितनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। वो कितने प्यारे वाली लाइन दोबारा बोलना। बोलो से। कितने प्यारे लगते हैं दिए बताओ। बहुत ही प्यारे लगते हैं दिए। जस्ट लाइक मी। बहुत प्यारे हैं। पॉजिटिव वाइब्स आने लगी हैं दिवाली की। जैसे कि मेरे में से आती हैं। आज से बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि मैं रिंग लाइट हैप्पी दिवाली।
ये यम का दिया तैयार करते हैं, देखिए इस तरीके से, और पूरी रात के लिए है ये। और ये चावल इस तरीके से भरेंगे इसमें, जो किसी का एक टाइम का खाना बन जाए। काम वाली को दे सकते हैं, किसी भी गरीब को दे सकते हैं ये चावल, बट खुद यूज नहीं करते। तो इसमें डाल देंगे ये वाली कौड़ी, एक कौड़ी और एक सिक्का यम के दिए। मेरी मम्मी आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोरी लग रही है, पता नहीं क्यों, कुछ तो हुआ है। ये हमारे साथ हर जगह जाएगा। दक्षिण दिशा की तरफ इसको लगाते हैं, साउथ की तरफ। साउथ इधर होगी ना, इस साइड होगी साउथ। मेरे से मत पूछो, मेरे को नहीं पता। इधर ही होगी साउथ, थोड़ा सा दूर करके लगा। पूजा पाठ हो गया है कंप्लीट, पूरा एकदम विधि विधान से आज धन्वंतरी देवता की पूजा कर ली है और यम का दिया लगा दिया है अभी। और बस अभी मैं रेडी करूंगी भोग, और भोग रेडी करूंगी मैं, जो कढ़ाई लेकर आई हूँ इसी में मैं भोग रेडी करूंगी। तो मैं बनाऊंगी नई कढ़ाई में धन्वंतरी देवता के लिए हलवा। तो हलवा बनाती हूँ मैं, तो चलिए हलवा खिलाते हैं या फिर और देखती हूँ कुछ मीठा, बाकी तो हलवा बनाने का ही है प्रोग्राम। तो चलिए बना लेते हैं आप भोग। तो भोग बनाने से पहले वंशी लगा रही है यहाँ पे, जो छोटी रंगोली मैं लेकर आई हूँ ये वाली, तो मैंने बोला बेटा लगा देते हैं पहले, फिर बाद में नई लगाई जाएंगी। तो गाइस मैं यहाँ पे बैठी हूँ आराम से, इसको देख रही हूँ, देखिए नीचे, और वंशी चिपका रही है वहाँ पे आराम से। तो गाइस आज ना इतना अच्छा लग रहा है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि दिवाली के ओकेजन पे ना घर की सुंदरता पड़ती है, नई नई चीज़ें हम घर में लगाते हैं, तो इतना अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। लगा दे इधर, इधर ज़्यादा सुंदर लगते वैसे। इधर से छुड़ा देंगे, क्यों छुटा देंगे, लगा देंगे मैं कोई दिक्कत नहीं, लगा देंगे। तो गाइस ये वाली रंगोली लगाएंगे यहाँ पे बिल्कुल बीच में पॉइंट पे। हाँ बीच में लगा, हाँ थोड़ा सा और इधर, हाँ सही है वैसे, ठीक है लगा दे, सही है। या फिर यहाँ इस जगह पे लगा दे, तो है छोड़ दे तो फिर। तो गाइस बाकी की डेकोरेशन अब करेंगे कल, क्योंकि अब थक गए हैं काफ़ी काम कर करके, तो बस इतनी ही डेकोरेशन आज करेंगे, बाकी की कल छोटी दिवाली पे डेकोरेशन करेंगे। झालर वगैरह लगाएंगे, मंदिर में लगाएंगे झालर और बाहर लगाएंगे गेट पे, चारों तरफ सुंदर सजाएंगे अपने घर को, मंदिर बनाएंगे भगवान रामचंद्र जी के लिए आने के लिए, और तभी तो आएंगे ना अच्छे से सुंदर से घर में। चलिए बाकी की करेंगे डेकोरेशन कल। तो गाइस फाइनली आज बनाएंगे न्यू कढ़ाई में लक्ष्मी माता का भोग, तो मैं काफी एक्साइटेड हूँ भोग बनाने के लिए। तो चलिए लक्ष्मी मैया के लिए और धन्वंतरी देवता के लिए बनाते हैं इसमें आज न्यू कढ़ाई में भोग। चलिए
तो गाइस ये देखिए, जब भी न्यू बर्तन में किसी में खाना बनाते हैं ना, तो सबसे पहले ये है कि इसका ध्यान रखना होता है कि ये निकालना है हमें स्टिकर इसका। तो देखिए इस तरीके से भी ये इजीली निकल जाता है। पहले इसको इस तरीके से निकालेंगे तो थोड़ा सा ना ये पिघल जाता है, तो इस तरीके से निकल जाएगा इसका। अभी थोड़ा सा जो रह गया है इसको निकाल देंगे हम धोने धो के साफ करके। तो देखिए गाइस निकल गया पूरा स्टिकर। चलिए तो यहाँ पे डाल रही हूँ मैं देसी घी और बना लेते हैं चलिए माता रानी के भोग और धन्वंतरी देवता के लिए नई नई कढ़ाई में सूजी का हलवा। तो चलिए आज खिलाते हैं उनको, और मुझे ना काफ़ी अच्छा लग रहा है नई कढ़ाई में हलवा बनाना। मम्मी की खुशी फूले ना समारी, तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। नेक्स्ट इंडियन आइडल मेरी मम्मी जाएंगी। रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। प्यारी प्यारी राधा रानी संग श्याम आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागत खुल जाएंगे राम आएंगे। बनाइए खिचड़ी हमने डिनर में, तो आज खाएंगे हम खिचड़ी डिनर में। क्यों पढ़ रही है आज? आज अभी आई है हवेली से मानवी अपनी। अच्छा ये बता दे हवेली में क्या क्या काम हुआ था आज? हवेली में कुछ नहीं हुआ क्या? तो गाइस आज गांव गई थी मानवी, तो आज आइए अपनी हवेली पे होकर आइए अपने गांव की हवेली पे। तो वहां चल रहा है कुछ काम, मानवी गई थी, वंशी गई थी, वंशी गया था, तो ये बहन भाई दोनों गए थे वहाँ पे आज। वहाँ कुछ नहीं हुआ, बस वो जो दीवार हिल रही थी, हाँ, छत वाली वो ठीक करवाई है, लाइट्स लगाई है और कुछ नहीं बस। और गाइस आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। और देखिए बच्चे आ गए हैं अपने गाँव से। तो गाइस धनतेरस का ब्लॉग आज आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। फॉलो करिए मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो छोटी दिवाली के ब्लॉग में। बाय बाय एंड सी यू अगेन। दिवाली की बहुत शुभकामनाएं आप सभी को।